डॉक्टर सोनेलाल पटेल की आज पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के अवसर पे हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर। यहाँ पर जो है डॉक्टर सोनेलाल पटेल की पत्नी है कृष्णा पटेल, उसके अलावा उनकी जो बेटी है पल्लवी पटेल, ये सभी लोग यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जस्टिस फॉर सोनेलाल पटेल की जो है हाथ में इनके जो है ये बैलेट पेपर है। इनका मानना है कि CBI जाँच इस पूरी हत्या की जो हुई है इसकी होनी चाहिए, लंबे समय से ये मांग चल रही है। हमारे साथ जो है कृष्णा पटेल जी हैं, बात कर लेते हैं। जिस तरीके से डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की हत्या हुई, हर साल आप पुण्यतिथि करते हैं, शुरुआत में देखा गया कि हत्या के बाद CBI की जो जांच थी वो काफ़ी तेज थी, फिर उसके बाद अब इधर से एकदम फाइल बंद हो गई, कैसे देखते हैं? देखिए 14 तक तो जाँच बहुत तेज रही है, 14 के बाद से ये जाँच धीमी हो गई है। हम लोग हर साल प्रदर्शन करते हैं, हर माध्यम से प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अभी हमारी जांच जहां तक होनी चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाई है। क्या वजह मानती हैं? क्योंकि 15 तक दूसरी सरकारें थीं, फिर इधर BJP की सरकार आई, तो क्या इसकी वजह से सरकार बदलने की वजह जो भी रही है, जो सत्ता में बैठे हैं उनको पता होगा या सत्ता का सुख जो उठा रहे हैं उनको पता होगा, लेकिन हमारी जाँच नहीं हुई जहाँ तक पहुँचनी चाहिए, उसके लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, करते रहेंगे। कृष्णा जी, आप एक बेटी के साथ यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, CBI की मांग कर रही हैं, दूसरी बेटी आपकी जो है वो सत्ता के साथ है, सरकार में है, मंत्री हैं, रसूखदार हैं, तो लगता नहीं है कि उनको आवाज़ उठानी चाहिए तो उसका असर ज़्यादा हो? ये तो उसके सोचने का फैसला है, ये मेरे सोचने का और मेरे कहने का नहीं है। पढ़ी लिखी है, समझदार, उसको सोचना चाहिए क्या करना है। पिता के नाम से सुखी उठा रही हैं तो पिता की जांच भी करानी चाहिए, ये उनका कर्तव्य है, ये मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। लगता है कि उन्होंने माता पिता की वो मतलब एक जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्य को नहीं निभाया पिता की? अब उन्होंने निभाया नहीं निभाया ये उनकी आत्मा जानती होगी, क्योंकि अभी वो अवसर ही नहीं आया होगा शायद उनकी नज़र में, इसलिए उन्होंने नहीं निभाया होगा। पल्लवी पटेल जी हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। पल्लवी जी, लंबे समय से आप लोग लगातार संघर्ष कर रही हैं, CBI की इंक्वायरी की मांग कर रही हैं। इस हत्या के कांड के बाद शुरुआत में देखा गया कि CBI एक्टिव से चीज़ें चल रही थी, 15 के बाद सरकार बदली, चीज़ें हुई, तो क्या लगता है सरकार बदलने के बाद ये ठंडे बस्ते में चला गया? देखिए, डॉक्टर साहब की मृत्यु 17 अक्टूबर 2009 को हुई, सामाजिक न्याय के एक संपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में वो इस देश की राजनीति में रहे, और उनके जाने के बाद आज 14 वर्षों का वक्त हो गया है। लगातार हर प्लेटफॉर्म पे हम ये मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब की हत्या की CBI जांच हो, इस रहस्य से पर्दा उठे, ताकि समाज को, उनके मानने वालों को, परिवार के साथ न्याय हो, इस न्याय की गुहार के लिए हम बैठे हैं। लंबे समय से संघर्ष आप लोग कर रहे हैं मगर ये डिमांड पूरी नहीं हो पा रही, आगे क्या कोई अभियान चलाएंगे किस तरीके से इस CBI इंक्वायरी? देखिए, सरकारें आती जाती रहती हैं, न्यायपालिका पे हमारा पूर्ण विश्वास है और हम ये मानते हैं कि ये मांग हमारी दम में दम जब तक है और सांस में सांस है, हम ये मांग रखेंगे सामने और न्याय हमको ज़रूर मिलेगा। डॉक्टर साहब का एक परिवार का दूसरा हिस्सा है जैसे हम जो है वो सत्ता के साथ है, जो रसूख में है, लगता है अगर वो प्रयास करती है जो है ये मांग तेज़ी से पूरी हो सकती थी? देखिए, सवाल तो उठता है क्योंकि 2009 से 2015 तक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के परिवार का वो हिस्सा जो आज रसूख में है, 2009 से 2015 तक उनके लिए प्राथमिकता में था कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की हत्या की CBI जांच हो। 2015 के बाद ऐसा क्या हो गया कि अपनी ताकत और रसूख का इस्तेमाल डॉक्टर साहब की हत्या की जांच ना हो इस बात पे लगाया जा रहा है? पिता से इतना कुछ मिला तो बदले में एक जांच की मांग तक? पिताजी से हमको नहीं, पूरे समाज को बहुत कुछ मिला है। नहीं, मैं आप उस धड़ की बात कर रही हूँ जो सत्ता के साथ, उन्हें भी तो पिता का नाम मिला सारी चीज़ें जी। और मुझे लगता है कि ये सवाल अगर आप उनसे पूछेंगे कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जो हत्या की CBI जांच है वो क्यों नहीं करवा रही है, डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने जिस अपना दल का स्थापना की उसको कोर्ट में घसीट करके सीज क्यों कराया, समाज के साथ अन्याय क्यों कराया, इस बात का जवाब दें। इस बात का जवाब दें कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जाने के बाद उनके सामाजिक न्याय के आंदोलन को लेकर के राजमाता कृष्णा पटेल जी चल रही हैं, लगातार उनको धमकियां क्यों मिलती हैं, लगातार उनकी मौत कराने के लिए साजिशें क्यों रची जा रही हैं, इन सवालों का जब उत्तर आपको मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने पशुत्व लोग हैं ये जो माँ बाप की मौत का भी सौदा कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल विपरीत चल रही है बिल्कुल, पिता के जो है उनका जो सोच थी, उनका जो संघर्ष, जो जो उनको देख रहा है उसको मुझसे ज्यादा पता है कि वो किस दिशा में चल रही है।
तो ये थी हमारे साथ पल्लवी पटेल, जो अपना दल कमेरावादी से है और समाजवादी पार्टी से विधायक है। पिता सोनेलाल पटेल की जो हत्या हुई थी उसकी सीबीआई जांच की मांग के लिए यहाँ लखनऊ में प्रोटेस्ट कर रही हैं। इनके साथ इनकी माता हैं कृष्णा पटेल। साफ तौर पे कहना है कि जो इनकी बहन है अनुप्रिया पटेल, कहीं ना कहीं वो सत्ता के साथ है, सत्ता की गोद में बैठी हुई है, मगर उसके बाद भी वो पिता के इंसाफ के लिए सीबीआई इंक्वायरी के लिए आवाज़ नहीं उठा रही, जो कि बहुत ही दुखद है। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ फरीदुल हसन, हैशटैग भारत न्यूज़ लखनऊ।